आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ राजा जीपुरम बुद्धेश्वर मंदिर पर। यूपी का कोई भी सीएम इस मंदिर नहीं आया सिवाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नगर निकाय चुनाव के प्रचार में आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी कुछ ही देर में देखिए योगी जी की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो देखिए ये सिक्योरिटी निकली बाहर से और ये गाड़ियाँ, ये योगी जी की गाड़ी आ रही सामने, सामने गाड़ी आप देख सकते हैं। इधर भीड़ को देखिए, एक बार भीड़ को देखिए, कितनी सुदाहन महसूस कर रहे हैं, भीड़ उछल कूद के देखना चाहती है। सामने देखिए योगी जी आ चुके हैं मंच पर, वो देखिए जूम करके दिखा, बिना जूम करो, ये योगी जी जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं मंच पर। ये देखिए योगी जी हैं, उनके साथ उनके स्वागत के लिए कुछ कार्यकर्ता आए हैं, मंच पर जा रहे हैं। ये देखिए भीड़ देखिए आप, भीड़ देखिए, इतनी भीड़ लगी है, जमौड़ा लगा है भीड़ का, आतंक मचा है। देखिए नारे लगे, तालियां बज रही हैं, तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है योगी जी का। ये देखिए मंच पर योगी जी आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ चुके, नारे लगाए जा रहे हैं योगी, और ये देखिए तालियों की गूंज। देखिए योगी जी आ चुके हैं मंच पे, ये देखिए योगी जी मंच पर आ चुके हैं, और भीड़ देखिए भाई, पीछे तक भीड़ देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं भारत माता की जय, योगी आदित्यनाथ वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, और भीड़ देखिए कैसे नारे लगा रही है, ऊपर चढ़े जा रही है, हाथ में झंडा है, सर पे टोपी है, और जोश बहुत है। भारतीय जनता, योगी आदित्यनाथ आज बुद्धेश्वर मंदिर आए हैं निकाय चुनाव का प्रचार के लिए आए हैं, उनके महापौर प्रत्याशी सुषमा खरगवाल मौजूद हैं उनके साथ। दूर तक भीड़ लगी है, कतार लगी है लोगों की। हाँ जी प्रणाम, योगी जी से मिलने आई है? हाँ जी भैया, देखने आई है योगी जी को? देखने क्या, हम तो साक्षात उनके दर्शन करने आए। इससे पहले कभी मिली है योगी जी से? नहीं मिले नहीं है, हम भी उत्तराखंड के हैं, वो भी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड से आए हैं? हम आए तो यहीं से लखनऊ से हैं, पर उत्तराखंड में हमारा निवास स्थान है। चुनाव लड़ रहे हैं क्या, मेयर वेयर नगर पंचायत? नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम कोई वो नहीं बने, हम अपने, हम तो कमल को लड़ा रहे हैं। कमल को लड़ा रहे हैं? हाँ बस कमल, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, कमल ही हमारा प्रत्याशी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोश देखिए भाई, महिलाओं का जोश देखिए, फूल खिलेगा, कमल का फूल, बिल्कुल कमल, कमल खिलेगा, हर बार खिलेगा। 2024 में, 24 में भी कमल खिलेगा, 2027 में, 27 में भी कमल खिलेगा। क्या बता रही हैं? 2024 में भी, 2027 में, वो तब भी रहेंगे निकाय चुनाव में, है? निकाय चुनाव में वो भी रहेंगे, वो भी चलेंगे। सुषमा जी का सपोर्ट कर रही हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। योगी जी से आज मिलने आई हैं? योगी जी मिलेंगे क्या? योगी जी से दो बार मिल चुकी हूँ, अब ये तीसरी बार मिलने आई हूँ। चुनाव कोई भी हो, निकाय हो, विधानसभा हो, चाहे कोई भी हो, बीजेपी चुनाव के लिए गंभीर तरह से लड़ती है, और यहाँ पर महिलाओं का जोश देखिए, पीछे देखिए युवाओं का जोश देखिए, टोपी है सर पे, हाथ में झंडा है, नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, योगी जी के, मोदी जी के नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम, जय जय। जोश देखिए भाई, ये बुढ़ापा नहीं है, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जोश देखिए, बिल्कुल जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2024 में तबाही मचाएगी भाजपा, क्या कहेंगे योगी जी से? नगर निकाय चुनाव और मेयर चुनाव पे हम लोग 100% जीतेंगे, बाबा बोले के आशीर्वाद से। अब की शंखनाद होगा, जय श्री राम। नगर निकाय में तबाही मचाएंगे, 100% वोट से जीतेंगे हम। अच्छा प्रदर्शन रहेगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, 100%, 100% बाबा बोले की 17 में से 17 सीटें मेयर की, 17 में से 17 सीटें मेयर किया, 17 में 17 80 में 80 आएंगी, यूपी में लोकसभा में 80 में 80 आएंगी, योगी बाबा जिंदाबाद। क्या जोश भाई, युवाओं का जोश, कार्यकर्ताओं का जमौड़ा लगा है, दिखाओ विनय, इतनी भीड़ लगी है, लोग मार्केट पे चढ़े हैं, लोग मार्केट पे चढ़े हैं, देखिए भीड़, और देखिए बैरिकेडिंग देखिए लगी है, पुलिस तैनात है, पुलिस तैनात है, पूरी चौराहे पर पुलिस तैनात है।
पूरा मंच खाली हो गया है, मंच खाली हो चुका है और सब अब जा रहे हैं धीरे धीरे। सारी पुलिस तैनात थी, सारी गाड़ियां जा रही हैं। देखिए नगर निकाय चुनाव में क्या होता है, 13 मई को रिजल्ट आने हैं, पता चल जाएगा। तब तक लिए देखते रहिए भारत एक सोच। कैमरा पर्सन विनय के साथ अनुज लखनऊ।